गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बु फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता अष्टमीश्वरम्। जय श्री राम। प्रिय भक्तों, मैं राजनाथ शास्त्री आज आप लोगों के लिए भगवान शिव और सती का प्रसंग सुना रहा हूँ, जिस प्रसंग में भगवान शिव सती को समझा रहे हैं कि मान जाओ ये हमारे इष्ट आराध्य श्री राम ही हैं, और सती को भगवान श्री राम के प्रति शंका हो जाती है कि ये ब्रह्म नहीं है। पिछली कथा, कल की कथा में मैंने आप लोगों को यहाँ तक बताया था, लाग नऊर उपदेश यद्यपि कहे शिव बार बहु बोले बिहंस महेश हरि माया बल जान जे। शंकर भगवान ने सती को बहुत समझाया कि ये मेरे आराध्य देव भगवान श्री राम है, सती तुम मेरा कहना मानो और इनके प्रति शंका न करो। लेकिन स्त्री स्वभाव के कारण या कि कथा न सुनने का कारण सती के मन में इतना पाप का उदय हो गया कि भगवान शिव की बात नहीं मानी, और जब बात नहीं मानी तो शंकर बोले बिहसी महेश हरि माया बल जान जी। शंकर भगवान मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि धन्य है प्रभु श्री राम की माया कि सती को भी जो भ्रमित कर दिए। अब आगे भगवान शिव सती से कहते हैं, अरे जाओ तुम्हारे मन, जाओ तुम्हारे मन अति संदेहु तव किन जाई परिक छाले हो। सती, यदि तुम्हारे मन में संदेह है तो जाके परीक्षा ले लो। तब लगी, अरे तब लगी बैठी हूँ बट छाही, जब लगी तुम आई हो मुहि पाही। सती, यदि तुम्हारे मन में संदेह है, मेरे कहने के बाद भी तुम्हारा भ्रम नहीं दूर हो रहा है, तो तुम जाके परीक्षा लो ले लो, तब तक मैं इसी बट वृक्ष के नीचे बैठा हूँ और तुम जाओ। तो भक्तों, प्रायः स्त्रियों का स्वभाव थोड़ा चंचल होता है। गोस्वामी जी लिखते हैं, अरे चली सती शिव आय सुपाई। चल तो देती हैं शंकर भगवान की आज्ञा पा करके, लेकिन आप सोच पाँव तो उठ गया, आगे बढ़ गया, लेकिन मन में विचार करती हैं, करें विचार करों का भाई। मन में विचार करती हैं कि क्या करूं, आज तक सती ने अकेले कोई काम नहीं किया है, बिना भगवान शिव के साथ ही जो कार्य किए हैं शिव से अलग कोई कार्य नहीं किया उन्होंने, सती जी का ये आज का निर्णय अकेले का है। और यद्यपि शंकर भगवान से आज्ञा लेके जा रही हैं, लेकिन अकेले जा रही हैं, तो इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, करें विचार करों का भाई, क्या करूं, पुनि पुनि हृदय विचार करी, अरे पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कै रूप आगे हुए पथ बैठी पुनि जही आवत नर भूप। बार बार मन में विचार की कि ये अभी मैंने देखा कि ये जो राजकुमार हैं दोनों, तो ये बड़ा वाला राजकुमार अपनी पत्नी के वियोग में व्यथित है, तो मैं सीता का स्वरूप ही धारण कर लेती हूँ, तो यदि ब्रह्म होंगे तो मुझे पहचान ही जाएंगे, या कि राजकुमार होंगे तो मुझे नहीं पहचान पाएंगे। ऐसा विचार करके भवानी सती आगे जिस रास्ते से भगवान राम और लक्ष्मण आ रहे थे उसी रास्ते में आगे बैठ गईं सीता बन करके। अब
लिखा है सती कपट, सीताराम सती कपट जाने वो सुर स्वामी, समुदर सी सब अंतर जामी। भक्तों, भगवान श्री राम सबके हृदय में निवास करते हैं, सबकी अंतरात्मा की बात जानते हैं। सती के इस कपट को भगवान श्री राम समझ गए। सीताराम सुमिरत जाही मिटई अग जाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। राम कौन है भक्तों? सुमिरत जाही मिटई अज्ञाना, जिनका स्मरण करने से, जिनका नाम लेने से अज्ञान नष्ट हो जाता है। सोई सर्वज्ञ राम भगवाना, वो सब कुछ जानने वाले भगवान श्री राम हैं। सीताराम सती कीन चहत तहु दुराऊ, देखहु नारी स्वभाव प्रभाऊ। स्त्रियों का स्वभाव तो देखिए। सती जानती थी कि भगवान राम सर्वज्ञ हैं, लेकिन आज स्त्री स्वभाव के कारण उन्हीं की परीक्षा लेने के लिए चल दी। निज माया बल देह दये बखानी, बोले भी हंसी राम मृदुवानी। अपने माया का बल भगवान श्री राम ने देखा और मुस्कुरा करके सती के सामने जैसे रास्ते से चल के पहुँचे, तो भगवान श्री राम ने दोनों हाथ जोड़ लिया और सती से इस प्रकार से प्रणाम करते हैं। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामू, पिता समेत लीन निज नामू। भगवान राम आज सती से इस प्रकार का प्रणाम कर रहे हैं। अय माँ, मैं महाराज दशरथ का बड़ा पुत्र राम आपको प्रणाम कर रहा हूँ। जिस प्रकार से सती के मन में था कि ये साधारण मनुष्य हैं, भगवान ने उसी प्रकार से प्रणाम किया कि अय माँ, मैं राजा महाराज दशरथ का बड़ा पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूँ माँ। सीताराम और क्या कहते हैं? कहे वो बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरहु के ही है तू। और ये तो कहो, शंकर कहाँ हैं? अकेली क्यों जंगल में घूम रही हो? शंकर भगवान कहाँ हैं? अकेली जंगल में क्यों घूम रही हो? ऐसी गूढ़ बात भगवान श्री राम सती से कहते हैं। राम बचन मृदु गूढ़ सुनी, उपजायति संकोच, सती समीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोच। भगवान की ऐसी मृदुल और गूढ़ शब्द सुनकर सती के मन में बड़ी चिंता हुई कि हमसे तो बहुत गलती हो गई, ये तो परमात्मा है। और आगे कहती हैं, अरे मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना, जाय उतर अब दहियो कहा, उरूप जायति दारुण दाह। सती के मन में बड़ी ग्लानि होती है कि हमारे स्वामी बहुत समझा रहे थे, मैंने उनकी बात नहीं मानी, अब जाकर मैं क्या उत्तर दूंगी। थोड़ा पीछे के प्रसंग में आइए। भगवान राम का जो खानदान है बड़ा ही विद्या के क्षेत्र में निपुण था, क्योंकि लक्ष्मण ने सती को पहले देख लिया था। आगे आगे भगवान राम थे, पीछे लक्ष्मण थे, लेकिन सती को सीता बनते हुए लक्ष्मण ने पहले देख लिया था। लिखा है लक्ष्मण दीखे उमा कृत वेशा, चकित भये भ्रम हृदय विशेखा, कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती को सीता का वेश बनाते हुए जब लक्ष्मण ने देखा तो सोचा, देख क्या बात है भाई। लक्ष्मण ने सोचा, क्या बात है भाई, अभी तो ये सती रूप से होकर पार्वती बनना चाहती हैं। लक्ष्मण जी ने अपने ज्योतिष से विचार किया, अपने विद्या से विचार किया कि ये अभी सती हैं लेकिन ये पार्वती के रूप में जाना चाहती हैं, क्या कारण है? लेकिन लिखा है कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। लक्ष्मण जी बड़े धैर्यवान थे,
अपने बड़े भाई राम के प्रभाव को जानते थे। उन्होंने कहा हमसे क्या मतलब है, आगे आगे बड़े भाई साहब हैं, पीछे मैं हूँ, मुझे क्या करना है, जैसा होगा भाई साहब जानेंगे। इसके बाद भगवान पहुँचते हैं और ये पूरा दृष्टांत मैंने आपको अभी सुनाया ही कि भगवान ने प्रणाम किया और सती समझ गई कि भाई मुझसे तो बड़ी गलती हो गई, अब मैं भगवान अपने स्वामी शिव के पास जा कर के और क्या जवाब दूंगी। जाना राम अरे जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा। भगवान समझ गए कि सती के मन में खेद हो रहा है, दुख हो रहा है। अब भगवान ने कहा अब सती आई हैं तो कुछ अपना प्रभाव सती को दिखाते हैं। सती देख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भराता। सती ने देखा कि मेरे आगे आगे राम लक्ष्मण और जानकी तीनों जा रहे हैं। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर वेसा। पीछे देखती है कि पीछे वही स्वरूप फिर से राम जानकी और लक्ष्मण जी तीनों जा आ रहे हैं पीछे से भी। जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना, से वहीं सिद्ध मुनीस प्रवीणा। सती जी जिधर निगाह देख करती हैं उधर राम लक्ष्मण और जानकी। सती के मन में और चिंता व्याप्त हो जाती है और भगवान दिखाते हैं सती को, क्या दिखाते हैं। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अनेक रूपों में दिखाया। सती पिधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जेहि जेहि वेश आजादि सुर, तेहि तेहि तनय अनुरूप। उन्होंने अगणित अनुपम सती ब्रह्माणी लक्ष्मी देखी, जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के रूप में उनकी ये सब शक्तियाँ भी थीं। ऐसा भगवान राम ने सती को दिखाया। आगे देखे जहाँ तहाँ रघुपति जेते, शक्ति न सहित सकल सुरते ते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकार। यानी सती को भगवान ने पूरी सृष्टि दिखा दी, लेकिन राम लक्ष्मण जानकी को एक ही रूप में दिखाया। अब जब भगवान की ये लीला सती देखती हैं तो डर जाती हैं, हृदय कंपित हो जाता है, तो आंख मूंद करके बैठ जाती हैं। जब आंख मूंद कर बैठ जाती हैं तब भगवान ने सोचा कि अरे जा दीताराम पुनि बहुरी बिलो कि उनयन उघारी, कछु न दीख तहाँ दक्ष कुमारी। जब भगवान ने सोचा कि सती को ज़्यादा दुख हो रहा है तो भगवान ने अपने माया को समेट लिया। जब सती आँख बंद कर लेती हैं तो भगवान ने अपने माया को समेट लिया। जब दोबारा आँख खोलती हैं मातेश्वरी सती तो वहाँ कुछ भी नहीं है, अकेली सती खड़ी है। अब सती शंकर भगवान की तरफ प्रस्थान करती हैं। आगे भगवान शंकर वहाँ बट वृक्ष के नीचे सती का इंतजार ही कर रहे थे। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, लीन परीक्षा कवन विधि कहे उस सत्य सब बात। जब भगवान शिव के पास मातेश्वरी सती पहुँची तो शंकर भगवान ने मुस्कुरा करके कुशलता पूछी और कहा कि बहु कहो सती किस प्रकार से परीक्षा ली, सत्य सत्य बताना। भक्तों प्रायः स्त्रियों जाति की बात होती है, यदि आप लोग कहेंगे कि सत्य सत्य बताना तो जरूर असत्य शामिल कर देंगी, ये सती के समय से ही चालू है। शंकर भगवान ने कहा लीन परीक्षा कवन विधि सत्य कहा उस सब बात, सारी सत्य सत्य बात बताओ कि किस प्रकार से तुमने परीक्षा ली। सती जी साफ झूठ बोल जाती हैं। सती जी क्या कहती हैं, अरे कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। स्वामी हमने कुछ परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया था मैंने भी जाके वैसे प्रणाम किया और चली आई। शंकर भगवान ने मन में सोचा कि मेरे जैसे इनको प्रणाम करना था तो मेरे साथ ही कर लेती,
एकांत में अलग जाके प्रणाम करने की क्या जरूरत थी, कुछ न कुछ तो जरूर है। तब शंकर देख्यो धरि ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। तब शंकर भगवान ने थोड़ा आंख बंद किया, ध्यान लगाया। सती ने जो जो कृत्य किया था शंकर भगवान के दिमाग में वो रील घूम गई। शंकर भगवान सब कुछ समझ गए कि सती ने क्या क्या किया। एक बात से शंकर भगवान को बहुत दुख हुआ, सती जो सीताराम, सती कीन सीता कर वेशा, शिव ही उर भयउ विषाद विशेखा। शंकर भगवान ने ये देखा कि सती ने सीता का रूप बना लिया, सीता मेरी माँ है, तो अब तो ये बड़ा गड़बड़ किया इन्होंने और बड़ी दिक्कत की बात हो गई। जो अब करो सती सन प्रीति, मिटई भगत पत हो ये अनीति। यदि अब मैं सती से प्रेम करूँगा तो मेरे भक्ति का मार्ग नष्ट हो जाएगा, बड़ी अनीति होगी। और यहाँ सती की और भगवान शिव की बहुत बनती थी, बड़ा आपस में प्रेम था। गोसाई जी लिखते हैं कि शंकर भगवान कहते हैं, अरे परम पुनीत न जाय तजी, अरे परम पुनीत न जाय तजी, कि ये प्रेम बड़ पाप, प्रगट न कहत महेश कछु, हृदय बहुत संताप। यद्यप सती पवित्र बहुत है, शंकर भगवान ने सोचा कि यद्यपि सती पवित्र बहुत है, लेकिन यदि प्रेम करता हूँ तो पाप लगता है, भक्ति नष्ट हो जाती है, इसलिए प्रगट में तो सती से शंकर भगवान क्या कहें। सामान्यतः किसी की स्त्री से कोई अपराध हो जाए तो स्त्री प्रियतमा होती है, व्यक्ति सामने तो उसके कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उसके मन में खुद में बड़ी ग्लानि हो जाती है। ठीक उसी प्रकार शंकर भगवान के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि सती से बहुत बड़ी ये गलती हो गई। और जब बहुत बड़ी गलती किसी से हो जाती है तो जो धैर्यवान होते हैं वो भगवान की तरफ बढ़ते हैं, शंकर भगवान भगवान राम की तरफ बढ़ते हैं। अरे तब शंकर प्रभु पद सिर नावा, सुमिरत राम हृदय असवावा। तब शंकर भगवान ने भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम किया। जब भगवान श्री राम के चरणों में प्रणाम किया तो शंकर भगवान के मन में आया, क्या आया, एही तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन सीताराम, एही तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। शंकर भगवान के मन में आया कि इस शरीर सती के इस शरीर से अब मेरी भेंट नहीं होगी, ऐसा भगवान शिव प्रतिज्ञा कर लेते हैं, संकल्प लिखा है। शिव संकल्प मन में संकल्प ले लेते हैं कि सती के इस शरीर से मेरी मुलाकात नहीं होगी। अस विचारी शंकर मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। ऐसा मन में विचार करके धैर्यवान भगवान शिव अपने कैलाश की तरफ प्रस्थान करते हैं। अब देवता बड़े विचित्र होते हैं, शंकर भगवान ने सती से कुछ नहीं कहा था, न कुछ कहने का उनका इरादा था कि चाहे कुछ भी हो जाए अपने सती को मैं दुखी नहीं करूँगा। और फिर भी ये देवता बड़े विचित्र होते हैं, देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अरे चलत गिरा, चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भल भगत दृढ़ाई। जब भगवान शंकर और सती जा रही थी तो आकाशवाणी हो जाती है कि अरे भगवान शिव आपकी जय हो, जय हो, जय हो। असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। स्वामी ऐसी प्रतिज्ञा आपके अलावा कर कौन सकता है, आप भगवान राम की भक्ति में दृढ़ हैं और आपने भगवान राम की भक्ति को दृढ़ता दे दी,
सुनि नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा शिवही समेत सकोचा। जब आकाशवाणी को सती सुनती है तो और उनका हृदय धड़कने लगा कि लगता है कुछ गड़बड़ हुआ, और शंकर भगवान से बड़े संकोच के साथ पूछती हैं, क्या पूछती हैं, अरे कीन कवन पन, अरे कीन कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। हे स्वामी, आपने कौन सी प्रतिज्ञा की, आप तो हमेशा सत्य बोलते हैं, सत्य सत्य बताना। भक्तों देखिए, स्वयं तो सामने वाले से झूठ बोलती हैं, ये स्त्रियों का स्वभाव होता है कि स्वयं तो सामने वाले से झूठ बोलती हैं सरासर, और दूसरे से सत्य की कामना रखती हैं। शंकर भगवान से सती कहती हैं कि सत्य धाम प्रभु दीन दयाला, आप सत्य के धाम हैं, आप तो सत्य बोलते हैं हमेशा, आप बताइए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की। लेकिन लिखा है, यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहे वो त्रिपुर आराती। यद्यपि सती ने बहुत प्रकार से भगवान शिव से पूछा, लेकिन त्रिपुर राक्षस के शत्रु त्रिपुरारी भगवान शिव सती को कुछ बताते नहीं हैं, सती से कुछ बोलते नहीं हैं। जब पति कुछ न बोले तो जो पत्नियां हैं समझ जाती हैं कि गड़बड़ है कुछ, ऐसा आज भी है, और ये सब देन भगवान शिव और सती की है। सती हृदय अनुमान किया सब जाने वो सर्वज्ञ, कीन कपटमय शंभूषण नारी सहज जड़ यज्ञ। सती ने अपने हृदय में सोचा कि हमारे स्वामी शिव सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, ये इन्होंने मेरी सारी बात जान ली है, और मैंने भी तो कम नहीं किया, मैंने इनसे कपट किया, इतने सरल इतने दयालु इनसे मैंने कपट किया, इसलिए जो है तो अपने आप को कोसती हैं और समझ जाती हैं कि भगवान शिव मेरी सारी बात समझ चुके हैं। अब आगे लिखते हैं गोस्वामी जी, क्या लिखते हैं, जल पय सरिस बिकाय देखहु प्रीति कीरीति भल, बिलग होत रस जाय कपट खटाई परत पुनि। सज्जनों, दूध अपने साथ अपने मित्र पानी को अपने भाव में बेच देता है, लेकिन जब दो रहते हैं, जब दूध और पानी दो रहते हैं तो एक रहते दोनों तो दूध पानी भी दूध के भाव बिक जाता है, लेकिन तीसरा यदि कपटी कोई कपट रूपी खटाई उसमें पड़ जाती है तो दूध अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है, ना दूध की कीमत रह जाती है न पानी की। तो कपट के लिए लिखा है कि जरा सा सती ने कपट किया, जिसका परिणाम आज ये हुआ। आज से आज कथा पर यहीं पर विश्राम देते हैं, आगे कल। जय श्री राम।